हुगली महानगर के नवनगर में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी को गणपति उत्सव की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गणपति के स्थापना का कार्य जो आपने यहाँ किया है वो आगे भी इस तरह से नियमित रूप से चलता रहे। आप सब इस गणपति मंडल के भावना के साथ जुड़े रहें और भारत में एक महान राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक और हमारे देश के नेता श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिस उद्देश्य से गणपति की स्थापना हमारे देश में कराई वो उद्देश्य इस देश में पूरा हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी नागरिक बंधुओं से इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि मैं आपसे बहुत अच्छे से कन्नड़ भाषा में बात नहीं कर सकता, इसलिए कन्नड़ हिंदी मिलाकर आपसे मैं बात करूंगा। मुझे इस गणपति मंडल के आयोजन में जो विषय दिया है आपसे संवाद करने का, वो विषय है कि लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक ने गणपति आंदोलन या गणेशोत्सव का अभियान हमारे देश में क्यों चलाया, कैसे चलाया, उसका हमारे देश को क्या उपलब्धि हुई और आज हमारे देश में ये किस स्वरूप में स्थापित है। आप सभी जानते हैं कि भारत देश में गणेशोत्सव का सामाजिक रूप से जो आयोजन शुरू हुआ वो श्री लोकमान्य तिलक के बहुत प्रयासों के बाद हुआ। श्री लोकमान्य तिलक ने 1894 के साल में ये गणपति उत्सव का आयोजन शुरू किया। 1894 में श्री लोकमान्य तिलक ने इसको क्यों शुरू किया, कारण उसका क्या था, आधार उसका क्या था। हमारे जमाने में, हमारे देश में 1894 में अंग्रेजों की सरकार चलती थी और अंग्रेजों की सरकार ने भारत देश में एक नियम बनाया था, कानून बनाया था, वो ये कि भारतीय नागरिक एक साथ किसी स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। उसके लिए उन्होंने एक कानून बना दिया था और वो कानून में भारत के नागरिक 5 की संख्या में अहिर नागरिक एक साथ कहीं भी नहीं जा सकते, एक साथ कहीं आ नहीं सकते। अगर कहीं पर ब्रिटिश पुलिस, अंग्रेजों की सरकार की जो सेना होती थी वो भारतीय नागरिकों को समूह में देखे तो निश्चित रूप से उनको पुलिस अरेस्ट करती थी, जेल में डालती थी और उसके बाद उनके ऊपर भयंकर अत्याचार होता। और वो अत्याचार आप कल्पना नहीं कर सकते, कोड़े मारने से लेकर हाथ के नाखून खींच लेने तक का अत्याचार अंग्रेजों की पुलिस किया करती। अंग्रेजों की सरकार थी, उन्हीं का कानून था, उन्हीं का नियम था। अदालत में जो जजेस होते थे वो भी अंग्रेज होते थे। अगर कोई भारतीय नागरिक अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार के विरुद्ध कोई शिकायत करे तो अदालत में वो शिकायत सुनी नहीं जाती थी क्योंकि जज अंग्रेज होता था। ऐसा माहौल पूरे देश में बना हुआ था। हमारे भारत देश में 1875 में एक महान व्यक्ति हुए थे, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। उन्होंने एक गीत लिखा था 1875 में, वो गीत का नाम वंदे मातरम। तो वंदे मातरम गीत को गाने पर भी अंग्रेज सरकार ने पाबंदी लगा रखी थी। भारतीय नागरिक यदि वंदे मातरम गीत गाएंगे तो अंग्रेजों की पुलिस उनको जेल में पकड़ के बंद कर देगी, ऐसा कानून था। तो एक साथ हम एकत्रित नहीं आ सकते थे, कोई सामूहिक कार्य कर नहीं सकते थे, वंदे मातरम गीत नहीं गा सकते थे। ऐसे कड़े प्रतिबंध हमारे देश पर अंग्रेजों ने लगाए हुए थे और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत का आंदोलन था, स्वातंत्र आंदोलन था, उसके सबसे बड़े नेता थे श्री तिलक। उन्होंने अंग्रेजों की सरकार के ये जो प्रतिबंध थे, ये जो पाबंदी थी,
इसको निरस्त करने के लिए एक योजना बनाई और उन्होंने ये तय किया कि अगर अंग्रेज सरकार पांच या पांच से ज्यादा लोगों पर पाबंदी लगा रही है तो कोई ऐसा आयोजन शुरू करना चाहिए जो अंग्रेजों की सरकार के इस कानून को भंग करे और नागरिकों के मन में शक्ति आए, डर निकल जाए। अंग्रेजों की सरकार का जो भय है वो भारत के नागरिकों के मन से निकलना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने ये गणेशोत्सव शुरू किया। 1894 के पहले हमारे भारत देश में गणपति उत्सव होता था, गणेशोत्सव होता था, लेकिन वो घरों में होता था, परिवार के अंदर होता था, परिवार के लोग मिलकर गणपति उत्सव मनाते थे। पहली बार श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में पुणे के शनिवारवाड़ा में पहले गणपति की स्थापना की। आप जानते हैं कि पुणे एक बहुत बड़ा शहर है, पूना महाराष्ट्र में, वहां पर एक बड़ा स्थान है शनिवारवाड़ा। इस शनिवारवाड़े में पहले गणपति की स्थापना हुई थी 1894 में और वो स्थापना स्वयं श्री लोकमान्य तिलक ने अपने हाथों से की थी। और उस स्थापना में एक गणपति मंडल उन्होंने बनाया था, शनिवारवाड़ा गणेश मंडल, वो भारत का सबसे पुराना गणेश मंडल है। तो उस गणेश मंडल के कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक संकल्प कराया था कि हम ये गणेशोत्सव का पर्व 10 दिन तक मनाएंगे, अंग्रेज पुलिस अगर हमें गिरफ्तार करेगी तो हम जेल में जाएंगे, लेकिन गणपति उत्सव को हम जरूर मनाएंगे। और ऐसे करके ये गणेशोत्सव की शुरुआत हमारे देश में हुई। और सौभाग्य से क्या हुआ, 1894 का पहला जो गणेशोत्सव शनिवारवाड़ा में हुआ तो अंग्रेज पुलिस थोड़ी परेशान हुई, क्योंकि जो गणेशोत्सव को मनाने वाले कार्यकर्ता थे उनको वो पकड़ नहीं सकते थे। कारण ये था कि वो धार्मिक गतिविधि में शामिल है, राजनीतिक गतिविधि में अगर वो शामिल होते, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में होते तो पुलिस उनको अरेस्ट करती, लेकिन चूंकि वो धार्मिक गतिविधि में शामिल थे इसलिए अंग्रेज पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया और पूरे 10 दिन तक वो गणपति उत्सव चला। 1894 में 1894 में अक्टूबर 20 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। श्री लोकमान्य तिलक ने हर दिन शाम को एक व्याख्यान वहां पर आयोजित किया था, स्वयं श्री लोकमान्य तिलक उस व्याख्यान में हाजिर रहते थे, खुद उसमें शामिल होते थे और बड़े बड़े वक्ताओं को वो उसमें बुलाया करते थे। एक दिन का व्याख्यान हुआ तो उसमें उन्होंने कलकत्ता से एक बहुत बड़े नेता को बुलाया, उनका नाम था श्री विपिन चंद्र पाल। 20 अक्टूबर 1894 के पहले व्याख्यान में विपिन चंद्र पाल वहां आए। 21 अक्टूबर का दूसरा व्याख्यान हुआ तो उसमें श्री लोकमान्य तिलक ने उत्तर भारत के एक बड़े नेता को बुलाया, श्री लाला लाजपत राय, वो 21 अक्टूबर को आए। फिर तीसरे व्याख्यान में उन्होंने, आपने नाम सुना होगा कि हमारे भारत देश में पुणे शहर में 3 महान क्रांतिकारी पैदा हुए एक भाई के रूप में, 3 भाई एक साथ एक ही परिवार में क्रांतिवीर के रूप में जन्म लिया, वो थे श्री चाफेकर बंधु। तो 23 अक्टूबर को व्याख्यान चाफेकर बंधुओं में जो सबसे अग्रज थे, बड़े थे, उनका हुआ। फिर 24 अक्टूबर को चाफेकर बंधुओं में दूसरे नंबर के जो उनके भाई थे उनका हुआ, एक श्री बालकृष्ण चाफेकर, एक दया कृष्ण चाफेकर, ऐसे करके तीनों चाफेकर बंधुओं का व्याख्यान हुआ। फिर उसके बाद श्री लोकमान्य तिलक ने मुंबई से एक बड़े नेता को बुलाया, उनका नाम था फिरोज शाह मेहता, उनका एक व्याख्यान हुआ। और इस तरह से 10 दिन लगातार व्याख्यान माला चली, गणपति उत्सव हुआ, व्याख्यान माला चली। जितने भी वक्ता वहां पर व्याख्यान देने के लिए आए पहले गणपति उत्सव में, सबका जोर ये था कि भगवान गणेश हमारे देश को आजादी दिलाए, भगवान गणेश हमारे भारत को स्वराज्य दिलवाए, हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सरकार समाप्त हो। सभी व्याख्याताओं ने इस तरह के विषय लिए थे और जितने भी लोग सुनने के लिए आते थे उनमें उन्होंने देशभक्ति की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना पूरे व्याख्यानों के माध्यम से भरने
शुरू किया। परिणाम क्या हुआ, पुणे के लोगों में गणपति आयोजन के लिए उत्साह पैदा हुआ और 1894 में पहले गणपति की स्थापना पुणे में शनिवारवाड़ा में हुई। अगले वर्ष 1895 में पूरे पुणे में 11 गणपति मंडल बने एक ही वर्ष के बाद और 11 गणपति स्थापित हुए। उसके बाद 1896 में एक साथ 31 गणपति स्थापित हुए 31। फिर उसके बाद 1897 में पता चला 100 से ऊपर गणपति हो गए। फिर इस तरह से ये संख्या बढ़ती गई और 1898 तक आते आते पुणे से बाहर मुंबई में, पुणे से थोड़ा आगे जाकर अहमदनगर में, फिर पुणे के थोड़ा सा और आगे जाकर नागपुर में, पूरे विदर्भ में ये फैलता ही गया गणपति उत्सव का। और पुणे और पुणे के आजू बाजू के महाराष्ट्र के सारे बड़े शहरों में ये गणपति की स्थापना जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे भारत देश के लोगों में चेतना भी बढ़ती गई। थोड़े दिन के बाद पता चला कि संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में गणपति आ गए और गणेशोत्सव बहुत जोर शोर से मनाना शुरू हुआ। 1894 के बाद 1904 में माने सन 1904 में पहली बार लोकमान्य तिलक ने भारतवासियों को ये अपील किया कि हम गणेशोत्सव का जो आयोजन करते हैं इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो भारत का स्वराज्य प्राप्ति करना है, आजादी प्राप्त करना है। बिना आजादी के गणेशोत्सव का कोई अर्थ नहीं है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहे और हमारे देव देश के अंदर है तो एक तरह से वो भी गुलामी में है। पहली बार लोगों ने श्री लोकमान्य तिलक के इस उद्देश्य को और इस स्वप्ने को बहुत गंभीरता से समझा। उसके बाद एक दुर्घटना हो गई हमारे देश और वो दुर्घटना ये थी 1904 में, उस सन 1904 में एक अंग्रेज अधिकारी था जो गवर्नर वॉयसराय की हैसियत में आया था, उसका प्रमोशन हुआ था, उसका नाम था करजन। ये बंगाल का वॉयसराय बना था। बंगाल का वॉयसराय बनने के बाद इस करजन ने एक बहुत खतरनाक काम किया था। उसने क्या किया था, बंगाल राज्य को दो भागों में बांट दिया था, दो हिस्से कर दिए बंगाल के और उसके लिए एक कायदा बनाया, कानून बनाया और उसका नाम दिया उसने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट, बंगाल को बांटने का कानून करजन नाम के इस अंग्रेज अधिकारी ने किया। बंगाल उस समय भारत देश का सबसे बड़ा राज्य था। आज हमारे भारत देश में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल जैसे 35 राज्य हैं, भूवत सहित राज्य हैं। आज से लगभग 150 वर्ष पहले, 160 वर्ष पहले भारत देश में सिर्फ 4 राज्य थे, 4 स्टेट्स थे। एक बंगाल था, दूसरा मद्रास राज्य था, उसको अंग्रेजी में प्रेसिडेंसी कहा जाता था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और एक तीसरा था मुंबई प्रेसिडेंसी और चौथा भारत का बचा हुआ हिस्सा जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है, पूरा उत्तर भारत। बंगाल प्रेसिडेंसी का उस समय में क्या मतलब था, सरल माहिती देता हूं। बंगाल का उस समय 1904 में, सन 1904 में एक ही अर्थ था, पूरा बिहार राज्य, पूरा आसाम, पूरा का पूरा बंगाल जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, उस समय तक बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, तो पूरा बंगाल बांग्लादेश को मिलाकर, पूरा आसाम, उड़ीसा का 3/4 भाग और उसके बाद आसाम के ऊपर के भारत के जो छोटे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ये जो छोटे 7 राज्य, ये पूरा मिलाकर बंगाल राज्य था। अंग्रेजों ने उस समय इसको दो हिस्सों में बांटा, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। उस समय बंगाल का जो टोटल पॉपुलेशन था, कुल लोकसंख्या, कुल जनसंख्या वो करीब 7 करोड़ था, 1.5 करोड़ नागरिक बंगाल में रहते थे, 7 करोड़। अब ये बंगाल का जो बंटवारा हुआ इसमें क्या हुआ, जो वेस्ट बंगाल था वो हिंदुओं के लिए और जो सॉरी हाँ वेस्ट बंगाल हिंदुओं के लिए और ईस्ट बंगाल मुसलमानों के लिए। ईस्ट बंगाल में कुल पॉपुलेशन 3 करोड़ 80 लाख के आसपास था, 3 करोड़ 80 लाख नागरिक ईस्ट बंगाल में।
और बाकी जो 4,20,00,000 नागरिक थे वो वेस्ट बंगाल। तो हिंदू और मुसलमान संप्रदाय के आधार पर पहली बार अंग्रेजों ने भारत में बंटवारा किया, और ये बंटवारा जब हुआ तो सारे भारत देश में इसका विरोध हुआ। और विरोध क्यों हुआ? संप्रदाय के आधार पर आप देश का अगर बंटवारा करते हैं, किसी राज्य का बंटवारा करते हैं, तो भयंकर मारामारी होने वाली है। तो श्री लोकमान्य तिलक ने सबसे पहले इसका विरोध किया, और 1905 में श्री लोकमान्य तिलक ने एक आदेश जारी किया भारत के नागरिकों के लिए कि अगर अंग्रेजों की सरकार भारत के एक बंगाल राज्य का संप्रदाय के आधार पर बंटवारा करती है तो इस अंग्रेज सरकार को हम भारत में अब रहने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, और उन्होंने ये घोषणा कर दी। श्री लोकमान्य तिलक के एक दोस्त थे, मित्र थे, विपिन चंद्र पाल, जो उस समय बंगाल के सबसे बड़े नेता थे। ऐसे ही श्री लोकमान्य तिलक के एक मित्र थे श्री अरविंदो घोष, जिनको आपने जाना होगा, जो बाद में सन्यासी हो गए और पांडिचेरी में उन्होंने आश्रम बना लिया और वहीं पर आखिरी जीवन उनका बीता। तो श्री अरविंदो घोष और विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सारा शंकर बंदोपाध्याय, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों बंगाल के नेता श्री तिलक के पास मिलने के लिए पुणे में आए, और तिलक के सामने उन्होंने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। श्री लोकमान्य तिलक ने कहा कि पूरे बंगाल में आपको श्री गणपति के नाम पर उत्सव शुरू करना चाहिए। तो जो नेता आए थे उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में बंगाल में गणपति उत्सव तो कोई मनाता नहीं है और गणेश जी को बंगाल में कोई ज्यादा प्रभाव भी नहीं है। तो लोकमान्य तिलक ने पूछा, फिर आप बताइए आपके यहाँ किसका प्रभाव है? तो उन्होंने कहा, जो नव दुर्गा होती है, दुर्गा पूजा होती है, उसका बंगाल में बहुत असर है। तो श्री तिलक ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ महाराष्ट्र में गणेशोत्सव करता हूँ, आप बंगाल में दुर्गा उत्सव शुरू करिए और इसके साथ संगठन बनाइए और अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ फिर हमें लड़ना है। तो इस तरह से श्री लोकमान्य तिलक के प्रयासों से पूरे बंगाल में 1905 से दुर्गा उत्सव शुरू हुआ, जो आज तक चला आ रहा है और भारत के अनेक राज्यों में फैल गया है। तो बंगाल में दुर्गा उत्सव, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, ऐसा जब काम शुरू हुआ तो लाखों लाखों कार्यकर्ता श्री तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ इकट्ठे हुए। फिर इन कार्यकर्ताओं को लोकमान्य तिलक ने एक संदेश दिया कि गांव गांव जाना, गली गली जाना, और अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का जो बंटवारा किया है हिंदू मुसलमान के आधार पर, इसका विरोध करना है। तो श्री तिलक के जो कार्यकर्ता होते थे वो पूछते थे कि आप बताइए विरोध का तरीका क्या है। तो श्री तिलक ने उन सबको बोल रखा था कि देखो, अंग्रेजों की सरकार भारत में तभी तक चलेगी जब तक अंग्रेजों का माल भारत में बिकेगा। आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से चलती थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं भारत में बिका करती थी। तो श्री तिलक ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तु जब तक भारत में बिकेगी अंग्रेजों को मुनाफा मिलेगा, और जब तक उनको लाभ होगा तब तक वो भारत में सरकार चलाएंगे। तो हमें एक ही कार्य करना है कि गांव गांव जाकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो चीज वस्तुएं बिकती है इनका बहिष्कार कराना है। और ऐसे करके 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और वो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में शुरू हुआ। श्री तिलक ने पूरे बंगाल का प्रवास किया, छोटे छोटे गांवों में जाकर उन्होंने व्याख्यान दिए। तिलक के साथ अरविंदो घोष गांव गांव गए, अरविंदो घोष के साथ ताराशंकर बंदोपाध्याय, बहुत बड़े साहित्यकार थे, वो गांव गांव गए। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा, वो श्री लोकमान्य तिलक के साथ गांव गांव गए। और इस तरह से बहुत बड़े नेताओं की टीम तैयार हुई, उन्होंने पूरे बंगाल में स्वदेशी की लहर पैदा कर दी। परिणाम क्या हुआ कि ये स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो शुरू हुआ, 2 वर्ष के बाद इसका इतना असर था कि बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान बिकना बंद हो गया, उनका कापड़ बिकना बंद हो गया,
ईस्ट इंडिया कंपनी की उस समय भारत में शक्कर बिकती थी, शुगर, क्योंकि शुगर भारत में बनती नहीं थी, वो इंग्लैंड से आती थी, तो शुगर बिकना बंद हो गया। और इस स्वदेशी आंदोलन का इतना असर हुआ पूरे बंगाल में कि जो मिठाई बनाने वाले लोग हैं, स्वीट्स बनाने वाले लोग, उन्होंने शक्कर इस्तेमाल करना बंद कर दिया, गुड़ से मिठाई बनाना शुरू किया। इतना प्रभाव था। उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय ब्लेड नहीं बनता था, ये बात है 1905 की, 1905, ब्लेड नहीं बनता था, इंग्लैंड से ब्लेड आता था भारत में, तो जो सैलून चलाने वाले लोग होते थे वो अंग्रेजी ब्लेड का उपयोग करते थे। श्री लोकमान्य तिलक ने जब उनको अपील किया कि आप ये अंग्रेजी ब्लेड वापरना बंद कर दो, तो सभी सैलून चलाने वालों ने अंग्रेजी ब्लेड का बहिष्कार कर दिया। अब समस्या आई कि शेव कैसे करना, ब्लेड तो नहीं है, तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जो आज तक इस देश में चलता है, हम लोग हिंदी में उसको उस्तरा कहते हैं, कन्नड़ में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, उसको बहुत अच्छे से शार्प करके उससे शेप बनाई जाती है, ब्लेड का उसमें इस्तेमाल नहीं होता। ये लोकमान्य तिलक ने शुरू कराया इस देश। उसके बाद हमारे भारत देश में उस समय डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनता, हमारे भारत देश में डिटर्जेंट पाउडर नहीं बनता था, वो इंग्लैंड से इंपोर्ट होता था, तो श्री लोकमान्य तिलक ने लॉन्ड्री चलाने वालों को अपील किया कि अंग्रेजी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है, तो भारत के लॉन्ड्री चलाने वाले सभी लोगों ने मिट्टी से कापड़ धोना शुरू कर दिया, जमीन की मिट्टी से, ये जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है इसको इस्तेमाल करके कापड़ धोने का एक अभियान पूरे देश में शुरू हुआ। इसी तरह श्री लोकमान्य तिलक ने भारत के लोगों को अपील किया कि किसी भी घर में, परिवार में विवाह होगा तो वर और वधू शरीर पर अंग्रेजी वस्त्र धारण नहीं करेंगे, तो कौन से वस्त्र धारण करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भारत में कापूस बहुत होता है, कॉटन बहुत होता है, कॉटन के बनाए हुए जो वस्त्र हैं उनका उपयोग करेंगे, और वर वधू दोनों जिनका विवाह कराने वाला पंडित है, पंडितों का एक बहुत बड़ा संघ बनाया श्री तिलक ने, और उन्होंने कहा कि आप उस वर वधू का विवाह कराइए जिसके शरीर पर खादी के वस्त्र होंगे या कॉटन के वस्त्र होंगे, अंग्रेजी वस्त्र अगर पहने हुए वर वधू है तो उनका बहिष्कार कर दीजिए। परिणाम यह हुआ कि वर और वधू ने भी कॉटन पहनना शुरू कर दिया। इस तरह से श्री तिलक ने भारत के अनेक अनेक समाज के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, और तिलक के साथ लाला लाजपत राय ने उत्तर भारत में बहुत बड़ा ऐसा ही अभियान चलाया। आप पूछेंगे कि इस अभियान का अंतिम फलश्रुति क्या हुआ, इस अभियान की सबसे बड़ी फलश्रुति ये हुई कि 1905 से 1905 से लेकर 1911 के बीच में 6 वर्ष के अंदर संपूर्ण भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की वस्तुएं बिकना बंद हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का कपड़ा बिकना बंद हो गया, उनका ब्लेड बिकना बंद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुगर बिकना बंद हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर बिकना बंद हो गया, जो कुछ भी ईस्ट इंडिया कंपनी बेचती थी वो सब वस्तुएं बिकना बंद हो गई। लोगों ने संकल्प लेना शुरू किया। आपको तो सुनकर आश्चर्य होगा कि जैसे आपने यहाँ गणपति मंडल स्थापित किया है नवनगर में, श्री लोकमान्य तिलक ने संपूर्ण भारत देश में ऐसे सैकड़ों गणपति मंडल स्थापित किए, हरेक गणपति मंडल के कार्यकर्ताओं को वो शपथ दिलाते थे, प्रतिज्ञा कराते थे। गणपति मंडल स्थापित हुआ फिर उसके बाद एक शपथ ग्रहण समारोह होता था, प्रतिज्ञा समारोह होता था, उसमें पहली प्रतिज्ञा ये होती थी कि हम भारत देश के स्वराज्य प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे और गणपति हमारे आराध्य देव बनेंगे, हम स्वराज्य प्राप्ति के लिए काम करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा होती थी कि भारत में स्वराज्य प्राप्ति करने के लिए स्वदेशी का वरण बहुत आवश्यक है, इसलिए हम जीवन पर्यंत स्वदेशी व्रत धारण करेंगे और कभी कोई अंग्रेजी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर तीसरा संकल्प होता था कि अंग्रेज सरकार धर्म और संप्रदाय के आधार पर भारत को बांट रही है, हम धर्म और संप्रदाय के आधार पर कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे, मुसलमान हिंदुओं से नहीं लड़ेंगे, ऐसी 11 शपथ दिलाई जाती थी, और वो 11 शपथ लेने वाले कार्यकर्ता गणपति आंदोलन के सदस्य होते थे, उसमें से एक
शपथ होती थी कि व्यसन जीवन में कभी नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, गुटखा तंबाकू कुछ नहीं खाएंगे और अपने को पवित्र बनाएंगे ताकि स्वराज्य प्राप्ति के लिए लड़ सके। ऐसी शपथ दिलाकर श्री तिलक कार्यकर्ताओं को पक्का बनाते और धीरे धीरे आप सुनकर आश्चर्य करेंगे 1905 से यह अभियान शुरू हुआ। 1911 में 1911 में स्वदेशी आंदोलन और गणेशोत्सव के कुल कार्यकर्ता 1,20,00,000 हो गए, 1,20,00,000। उस समय भारत का जो टोटल पॉपुलेशन था वो 53 करोड़ था, 20 करोड़ भारतवासी थे 1905 में, और उसमें से 1,20,00,000 1,20,00,000 उनके कार्यकर्ता थे। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय के साथ काम करने वाले। गणेशोत्सव के माध्यम से इतनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज उन्होंने इकट्ठी की। अंतिम परिणाम क्या हुआ, 1911 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सब कुछ बिकना यहाँ बंद हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में बहुत तकलीफ आ गई, क्योंकि यहाँ से धन लूट कर ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती थी, उनका माल बिकता था वो पैसा लंदन जाता था। जब यहाँ माल बिकना बंद हो गया तो यहाँ से पैसा लंदन जाना बंद हो गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत तकलीफ की स्थिति आई। उस समय ब्रिटेन का राजा था, उसका नाम था जॉर्ज पंचम। उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक स्पेशल मीटिंग बुलाया और उसने ये कहा कि भारत देश में ऐसा क्या हो रहा है कि अब ब्रिटेन में पैसा आना बंद हो गया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपीज ने जॉर्ज पंचम को कहा कि भारत में एक बड़े नेता हैं श्री लोकमान्य तिलक, उन्होंने गणेशोत्सव का एक अभियान और स्वदेशी का आंदोलन शुरू कर दिया है और उसके कारण अब अंग्रेजी वस्तुएं भारत में बिकना बंद हो गई हैं, इसलिए इंग्लैंड में पैसा आना बंद हो गया। तो जॉर्ज पंचम इतना परेशान हुआ, उसने कहा कि ये लोकमान्य तिलक कौन है। तो उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं, पुणे के पास उनका जन्म स्थान है, कार्य क्षेत्र उनका पूरा भारत देश है और उनके पास 1,20,00,000 कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी आर्मी है। तो जॉर्ज पंचम ने पूछा कि ब्रिटेन की आर्मी भारत में कितनी है, तो जॉर्ज पंचम को उत्तर मिला कि जो ब्रिटिश आर्मी भारत में है वो मैक्सिमम 3.5 लाख की आर्मी है। और उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक की आर्मी कितनी बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि 1,20,00,000 1,20,00,000 की आर्मी है। तो फिर जॉर्ज पंचम ने कहा कि उसका कमांडर इन चीफ लोकमान्य तिलक 1,20,00,000 की आर्मी है, कितनी बड़ी आर्मी है, मैं उसको देखना चाहता हूं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि वो आर्मी अगर देखनी है तो आपको भारत जाना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मेरी भारत यात्रा का कार्यक्रम बनाओ। तो दिसंबर में 10 तारीख को जॉर्ज पंचम भारत आया, दिसंबर 10 1911 10 दिसंबर को जॉर्ज पंचम भारत आ गया, ये देखने के लिए कि स्वदेशी आंदोलन की, गणपति आंदोलन की आर्मी कितनी बड़ी है। उस जमाने में आप जानते हैं कि हवाई जहाज नहीं चलते थे, पानी के जहाज से यात्रा होती थी, शिप का आना जाना होता था। तो लंदन जाने के लिए भारत देश में दो ही स्थान थे और लंदन से आने के लिए भी दो ही स्थान थे, एक था वो कलकत्ता और दूसरा था सूरत। सूरत में बहुत बड़ा पानी के जहाज का पत्तन था और कलकत्ता में बहुत बड़ा था, तो कलकत्ता एक, सूरत दूसरा। तो जॉर्ज पंचम को पूछा गया आप कहां उतरेंगे, तो उन्होंने कहा कलकत्ता उतरूंगा। क्यों? क्योंकि लोकमान्य तिलक के सहयोगी और उनके कार्यकर्ता सबसे ज्यादा बंगाल में काम कर रहे हैं तो मुझे देखना है वो। तो कलकत्ता उतरा लोकमान्य तिलक, जॉर्ज पंचम कलकत्ता आया। 11 दिसंबर को कलकत्ता में बहुत सारे लोगों ने उसको रिसीव किया। जिन लोगों ने जॉर्ज पंचम को भारत में पहली यात्रा पर रिसीव किया, माने उसको आदर पूर्वक इस देश में स्वागत किया, उनमें से सबसे आगे थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन रॉय और एक थे उमेश चंद्र बनर्जी और एक पुराने कांग्रेस के नेता जो माने जाते हैं, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1875
1975 में, तो एक थे एक्टोवियो यू, AOU, जो कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष माने जाते हैं। इन सब लोगों ने राजा को आवकार किया, उसका स्वागत किया।